हे गाइस, वेलकम टू इन्फोटेक प्लस एंड वेलकम अगेन टू अ न्यू टेक वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं और कनेक्टिविटी यानी कि नेट स्पीड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नेट की स्पीड को कैसे अप कर सकते हैं, यानी कि कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 MB यूज़ कर रहे हैं तो 7 से 8 MB यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपनी नेट की स्पीड को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब से MIUI 11 के अपडेट्स आए हैं तब से हमारे जितने भी रेडमी के डिवाइसेज हैं सब में स्पीड का इशू आ रहा है और नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस वीडियो में आपको एक ऐसा सलूशन देने वाला हूं जिससे आप बहुत ज्यादा स्पीड अपने फोन की बढ़ा सकते हैं और नेट अच्छे से यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपलोड हो, चाहे वो डाउनलोड हो, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, यानी घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे जो मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं होगा। कैसे हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो फाइनली अभी मैं आपको चेक करा देता हूं मैं कौन सा सिम कार्ड यूज कर रहा हूं। तो फाइनली यहां पर देख सकते हैं मेरे पास 2 सिम कार्ड हैं, देख सकते हैं, एक मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं जियो का यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनली नीचे चले जाते हैं, उसके बाद डेटा जो है सेट कर देते हैं इंटरनेट का जियो पर, ठीक है। देख सकते हैं ये जियो पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और उसके बाद हम जाएंगे अब स्पीड टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेटा खोल दिया है, हमारा कोई वाईफाई वगैरह कोई भी कनेक्टेड नहीं है। फाइनली रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी का इशू सारे ही डिवाइसेस में आ रहा है और स्पीड बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम स्पीड अगर टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड बिल्कुल भी नहीं आती है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ इस चक्कर में, क्योंकि स्पीड का बहुत इशू है यहाँ पर, और मेरे एरिया में कुछ स्पीड कम भी है। क्या रीज़न है क्या नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही एरिया में स्पीड का इशू तो ऑब्वियसली है ही है। हर जगह स्पीड का इशू चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है जियो पर और जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं सब पर ही, लेकिन जियो पे कुछ ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी का क्या इशू है, देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 MB तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे KB में भी स्पीड नहीं आ रही है, देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी स्पीड नहीं आ रही है, मतलब 1 MB आधा MB भी स्पीड नहीं है। और आप क्या डाउनलोड करेंगे क्या अपलोड करेंगे तो आप समझ सकते हैं, जब स्पीड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो फाइनली ये जियो का मसला है, और मैं अभी आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप स्पीड अभी देखेंगे यहां पर कैसे बूस्ट होती है, जिसके लिए आपको कोई VPN यूज़ नहीं करना, कोई APN यूज़ नहीं करना, क्योंकि APN VPN कुछ काम नहीं करते हैं, सब बेकार की चीज़ें हैं। मैंने खुद भी करके देखी हैं कि आप ये VPN डाल दो, या आप ये APN डाल दो, ये सेट कर दो, वो सेट कर दो, ये प्रॉक्सी डाल दो और ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्पीड नहीं है, 1 MB ना अपलोड है ना डाउनलोड है। फाइनली ये तो जियो का मसला है, और मैं एयरटेल की अगर स्पीड दिखा दूं तो एयरटेल की इससे थोड़ा बेटर रहती है। फाइनली मैं स्विच कर देता हूं कनेक्शन को, और यहां से अगर मैं दिखाऊं तो मेरा एयरटेल का ये सिम कार्ड है, इस पर मैं अगर स्विच करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो गया है, और यहाँ पर ये एयरटेल से कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे एक बारी, तो यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़कर आएगी, क्योंकि एयरटेल का कनेक्शन थोड़ा सा एक्टिव रहता है, और अकॉर्डिंग टू जियो, जियो का जो है बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। आप समझ सकते हैं कि जियो पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और एयरटेल पे इतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जियो पे ट्रैफिक है, इसी वजह से जियो डाउन भी रहता है। लेकिन हमारे कुछ फ़ोन का भी इशू चल रहा है, क्योंकि जब से MIUI 11 के अपडेट आए तब से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सारे ही डिवाइसेज में, और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। फाइनली नेटवर्क भी थोड़ा कम आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे नेटवर्क्स नहीं है, और यहाँ पे स्पीड हम चेक करते हैं तो वहाँ से थोड़ा बेटर यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 1 MB तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेटर है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 1 MB के आसपास आती रहती है स्पीड। ये मेरे एयरटेल कनेक्शन का हाल है, लेकिन जियो में तो आपको बिल्कुल भी स्पीड नहीं मिलना है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सारे यूज़र्स को। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि स्पीड का इशू बहुत आ रहा है, फ़ोन बहुत हीट हो रहा है, पबजी खेलते हैं पिंग बहुत हाई जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड अपलोड के क्या हालात हैं। तो फाइनली अब हम इसको करते हैं बंद और अपनी ट्रिक को यूज़ करने वाले हैं, और मैं पहले स्विच कर देता हूँ जियो पे, और देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल सेलेक्टेड था, अभी भी सेलेक्टेड है, और मैं इसको इंटरनेट के लिए जियो पे सेलेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जियो सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है ना 2nd नंबर पर, देख सकते हैं जियो का सिम कार्ड ये एक्टिव हो गया है। अब आपको करना क्या, देखिए मैंने APN भी यहाँ पर एक्सेस करके देखा था, तो बहुत सारे वीडियोस में ये बताया गया, फाइनली मैं वीडियोस का अप्लाई नहीं करता हूँ, सारे फेक ही होते हैं। खुद का मैंने ट्राई करके देखा, बहुत सारे APNs यूज़ किए, लेकिन वो APN कोई भी काम नहीं कर रहा था, सब बेकार के APN थे, कोई भी सब बकवास से, बस उनको डाल दो स्पीड और कम हो रही थी, इवन यहाँ बढ़ने की जगह और कम हो रही थी। तो गाइज इसका एक बहुत सिंपल सा वे है, बहुत ही इजी सा वे है जो आपको करना है, क्योंकि मैं खुद उसको यूज़ कर रहा हूँ, और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था पबजी के बारे में, अगर आपका हाई पिंग जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें तो आप कैसे स्पीड को अप कर सकते हैं। तो गाइज कुछ नहीं करना है, जियो का सिम कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉल लगाना है कहीं भी, इवन आप कस्टमर केयर लगा सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कस्टमर केयर लगा देखा था दिखा देता हूँ, लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड को लगा सकते हैं, किसी को भी आप अपने दूसरे फ़ोन पर अगर दो डिवाइस यूज़ करते हैं तो दूसरे कनेक्शन पर लगा सकते हैं, उसके बाद आप अगर नेट यूज़ करेंगे तो आपको जो स्पीड मिलेगी भाई साहब कुछ बता नहीं सकता। तो फाइनली मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं जो स्पीड टेस्ट करूँगा तो मतलब यहाँ पर अमेजिंग स्पीड होगी। अभी इंट्रक्शन देख सकते हैं, ये जो बोल रहा है इसको बोलने देते हैं और हम स्पीड यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अब जो यहाँ पर गाइज स्पीड आपको मिलने वाली है वो एक अमेजिंग स्पीड होगी और मैं खुद शॉक्ड हूँ इस चीज़ को, यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, लेकिन जो भी है वो यही है और ये पॉसिबल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और ये स्पीड अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो कि एक MB भी नहीं मिल रही थी रिलायंस जियो, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर बढ़ चुकी, जो मतलब एक MB नहीं, आधा MB भी नहीं मिल रही थी, अब यहाँ से 2 से 3 MB मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है और अपलोड स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आप यहाँ से देख पाएंगे अभी यहाँ पर 5 MB एवरेज यहाँ पर मिल रहा है और अपलोड स्पीड आप देखिए 12, 13, 14 MB के आसपास या 15 MB मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 से ऊपर है और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है गाइज, यार आपको ये यूज़ कर लेना, आप किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं, कस्टमर केयर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसके बाद अभी इंट्रक्शन दे देता हूँ, नहीं फ़ोन कट जाएगा, और उसके बाद हम फिर से चेक करते हैं। स्पीड यहाँ पर बहुत अमेजिंग आ रही है, आपको यही यूज़ करना है, आपको डाउनलोड करना है या अपलोड करना है, कुछ भी करना है तो आप किसी को भी कॉल लगा सकते हैं, कस्टमर केयर लगा सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसे लगाना चाहें लगा सकते हैं, अपने दूसरे नंबर पर लगा सकते हैं, आपकी जो मर्जी है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल आपका कनेक्ट रहना चाहिए और आप स्पीड बहुत अच्छी यूज़ कर पाएंगे। आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो मैं 1 MB भी यूज़ नहीं कर पा रहा था, यहाँ से 4 से 5 MB मुझे स्पीड मिल रही है। अगर आपकी 1 MB आ रही है तो आप यूज़ कर पाएंगे 5 से 10 से 15 से 20 MB तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर लीजिए, अभी के अभी ट्राई करिए और तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको कितनी स्पीड मिल रही है, जिसके लिए आपको कोई APN नहीं, कोई VPN, कुछ भी डाउनलोड अपलोड नहीं करना है, सिर्फ एक कॉल लगा लेना, उसके बाद आपको स्पीड यहाँ जबरदस्त, किसी को कॉल लगाइए उसके बाद आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड करिए, चाहे यूट्यूब देखिए, चाहे जो मर्जी है वो करिए, और यहाँ पर जो स्पीड मिलने वाली बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर आप इस टाइप के वॉलपेपर्स वगैरह और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं या उसको रीड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, यहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।